नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। झारखंड अब तक के लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों की वार्ता तो विफल हो गई है, लेकिन इसके बाद सरकार के पास किस प्रकार की योजना है, इस पर आज हम बात करेंगे कि सरकार कितना प्रतिशत तक पेमेंट बढ़ाने के लिए राजी हो गई है और मुख्य सचिव के स्तर से क्या बातचीत हो रही है, कितने लोग टेट पास है पारा शिक्षकों के अंदर और टेट पास वाले का क्या होगा, क्या स्थायी होगा। हालांकि वार्ता के नतीजा जो रहा वो बेनतीजा रहा, विफल हो गया, लेकिन इसके बाद सरकार की ओर से जो हमारे पास इनपुट आया है और आज कई न्यूज़पेपर ने भी इसे प्रमुखता से छापा है, खास करके दैनिक हिंदुस्तान ने अपने फ्रंट पेज में इस न्यूज को लिया है, जिसमें उसने बताया है कि पारा शिक्षकों को पीएफ नहीं दिया जाएगा और साथ में जो मानदेय है 15 नवंबर तक में जो घोषणा होने वाली है उसमें मामूली रकम बढ़ाने की तैयारी की गई है, यानी कि 20% के आसपास ही बढ़ेगा। हमने पहले भी एक बार अपने न्यूज में इस चीज को बताया था और हम तक जो न्यूज आई है इसके मुताबिक जो है अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर मुख्य सचिव सुदीप त्रिपाठी ने इस रिपोर्ट की जानकारी दी है। ये सरकार के स्तर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता जब हुआ तो साफ तौर पर कहा गया है कि मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया की है और टेट पास पारा शिक्षकों के वेतन में 20% ही वेतन बढ़ेगा और अन्य के वेतन में एकदम सामान्य बढ़ोतरी होगी। पारा शिक्षक इसे किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है, ये आपको बता रहे जो बैठक हुई थी, बैठक में क्या कुछ हुआ था और वार्ता किस कारण से विफल हो गया, सरकार की योजना क्या थी, पारा शिक्षक की ओर से जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे उनकी योजना के मुताबिक उनको लगा कि ये उनके साथ विश्वासघात है। सरकार ने कहा था कि अच्छी खासी रकम बढ़ाई जाएगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए वे लोग योजना बना करके अब विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे पास ये न्यूज आया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सरकार 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार वो लेगी इसके लिए और 13,411 जो टेट पास स्टूडेंट है पारा शिक्षकों के अंदर 13,411 प्रशिक्षित टेट पास पारा शिक्षक के वेतन में 20% ही बढ़ेगा, उनके वेतन में सिर्फ 20% का ही वेतन इजाफा किया जा रहा है। और दूसरी और ये भी जानकारी आ रही कि अन्य जो वेतन कर्मी है पारा शिक्षक उन्हें एकदम मामूली सामान्य रूप से उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। टेट पास प्रमाण पत्र जो है उसका अवधि विस्तार 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाएगा। जानकारी ये भी है कि वेतनमान और स्थायीकरण अगर नहीं होता है तो एक उग्र आंदोलन के संकेत आ रहे हैं पारा शिक्षकों की ओर से। ये हम आपको कल ही हमने देर शाम को न्यूज बता दिया था कि वार्ता विफल हो गई है, आज कई अखबारों ने इसे सुर्खियों में लिया है। आज आपको बता रहे हैं कि अंदर की बात क्या है, किस कारण से वार्ता टूटी, पारा शिक्षकों की ओर से डिमांड क्या था, सरकार ने क्या प्रस्ताव लाया है, सरकार 15 नवंबर को क्या घोषणा कर सकती है। हमारे पास जो न्यूज आ रहा है इसके मुताबिक के खंडेलवाल के अनुशंसा के ऊपर एक गठित जो समिति थी इसे मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने मान लिया है और इस कमेटी की रिपोर्ट में है कि सिर्फ टेट उत्तीर्ण जो पारा शिक्षक है उनकी 20% ही पेमेंट बढ़ाई जाए। हमारे साथ आप इसी प्रकार से बने रहिएगा, बड़ी संख्या में लोग हम तक मैसेज भी कर रहे हैं। चलिए संतोष कुमार हुसैनाबाद से लिखते हैं कि सरकार के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वे केवल राज्य में क्यों है, कम संसाधन वाला राज्य बिहार इतना आगे निकल गया और झारखंड अभी तक वही है। मुकेश लिखते हैं कि मदन देवनाथ और मुकेश लिखते हैं कि किसी भी प्रकार से झारखंड में अस्थाई हो जाना चाहिए इन सारे शिक्षकों को। इसी प्रकार से हीरा लाल पाठक जमुआ गिरिडीह से लिख रहे हैं और शंकर गुप्ता चायबासा से लिखते हैं, फुल कुमारी पलामू से लिखती है कि अस्थाई होना ही एकमात्र सॉल्यूशन होगा और हम लगातार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें निश्चित रूप से एक सटीक ये मिलेगा। हम आपको ये जानकारी देते हैं कि जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो अपना नाम, प्रखंड का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा, हम हूबहू आपके विचार को
अवगत कराएंगे। अब आपको बताते हैं कि जो 67,000 कम से कम जो पारा शिक्षक है और इनको भविष्य निधि योजना में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि पीएफ वाला जो अकाउंट होता है उसमें इनकी सैलरी से पैसा नहीं कटेगा, नहीं सरकार देगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और जो परियोजना निदेशक है, राज्य परियोजना निदेशक उमा शंकर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि पारा शिक्षकों को की बहाली ग्राम शिक्षा समिति की ओर से की जाती है। ऐसे में जेईपीसी और पारा शिक्षक के बीच नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, इसलिए पीएफ नहीं कटेगा। तो ये भी एक झटका है, आप समझ लीजिए कि एक और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि पारा शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन सरकार अब अपनी मंशा बदल दी। हालांकि कल पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष जो थे पारा शिक्षक के, सुमित तिवारी, जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे तो हमने न्यूज भी चलाया था सबसे पहले, और उसमें बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री जी की बहुत पॉजिटिव लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार वो सारी बातों को मान लेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी बातचीत चल रही है, हमारे संज्ञान में है, देख रहे हैं, और देर शाम को सूचना आती है कि वार्ता टूट गई, कहीं की बात है। ये पूरी चीज जो होगा 15 नवंबर के पहले क्या अब ये बढ़ेगा, 20% का एक फार्मूला आया है, फार्मूला नंबर 1 जो है इसमें है कि 20% टेट उत्तीर्ण वाले की सैलरी बढ़ा दी जाएगी और बाकी लोगों की बहुत आंशिक रूप से सैलरी बढ़ेगी। जब टेट वाले का 20% बढ़ रहा है तो बाकी का कम ही बढ़ेगा। हालांकि मुख्य सचिव के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया पारा शिक्षक एकीकृत संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने, और हमारे साथ अभी मैसेज आ गया है कुमारी सोना का। ये लिखती है कि गवर्नमेंट जानबूझकर ऐसा करके टाइम वेस्ट कर रही है और 15 नवंबर तक हमारी बात तो मान लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू कर देंगे। आनंद कुमार आनंद लिखते हैं कि मात्र 40 करोड़ का अतिरिक्त भार आ रहा है सरकार के ऊपर, इसे अगर 100 करोड़ 200 करोड़ हो जाता तो क्या नुकसान हो जाता। आशीष रंजन कुमार लिखते हैं कि पारा टीचरों को ठगा जा रहा है। इनफैक्ट विकास कुमार मंडल ने कहा है कि ये सब गवर्नमेंट की चाल है, लेकिन चुनाव के समय में हम लोग इस बार जवाब देंगे। तो बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और ये आपको बता दें कि ये सारी चीजें अब जैसे जैसे स्थापना दिवस आ रहा है, पारा शिक्षकों की जो रणनीति है कि वो काला झंडा दिखाएंगे, जो हमने आपको पहले भी बताया था। आज भी हमारी बातचीत पारा शिक्षक संघ के नेताओं से हुई, उन्होंने कहा है कि उनकी आंदोलन लगातार जारी रहेगी, सरकार जब तक ठोस निर्णय नहीं लेती है स्थायीकरण के संबंध में वो आंदोलन अपना जारी रखेंगे। बड़ी संख्या में आप लोग मैसेज कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी प्रकार से मैसेज करते रहे। हम तक ये भी न्यूज है कि जेईपीसी ने देखिए स्पष्ट कर दिया है कि एक ग्राम शिक्षा समिति के अधीन 20 से कम पारा शिक्षक कार्यरत है। पारा शिक्षक अपनी उपस्थिति स्कूलों में दर्ज करते हैं और ग्राम शिक्षा समिति की ओर से इसके बाद अनुशंसा किया जाता है उनके मानदेय भुगतान करने का। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत अन्य राज्यों में भी कार्यरत पारा नियोजित या अनुबंध पर बहाल शिक्षक भी भविष्य निधि का लाभ नहीं लेते हैं। ऐसे में झारखंड में पारा शिक्षकों को पीएफ का लाभ नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया है। और अगर केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान होता है तो इसमें कम से कम 120 करोड़ रुपया तक का पैसा लगेगा। तो ये एक बड़ी खबर है, और आप लोग बड़ी संख्या में मैसेज करते रहे। हीरालाल पाठक लिखते हैं जमुआ गिरिडीह से, क्या आपका न्यूज बहुत सटीक है, धन्यवाद हीरालाल पाठक जी। अनिल पांडे ने लिखा है कि ये घाघरा गुमला से है कि बहुत अच्छी अच्छी खबर आप देते हैं। प्रीतम गुड्डा डिस्ट्रिक्ट से है, पिंटू दास है, और ये नवी देवनाथ दास है, सारे लोगों ने कहा है कि आपकी न्यूज अच्छी होती है। सनी कुमार ने भी कहा है, प्रवीण कुमार ने लिखा है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, गुड्डा डिस्ट्रिक्ट से 25,000 होना चाहिए। चेतन लकड़ा ने लिखा है कि शराब वाले के लिए अलग कानून, टीचर वाले के अलग कानून, उन्हें इतनी सुविधा और जो टीचर शिक्षा दे रहा है उसे इतना कम सुविधा। इसी प्रकार से पप्पू कुमार ने लिखा है कि इतनी तो पैसा मिलनी चाहिए कि परिवार चला सकें। मोहन कुमार लातेहार से लिखते हैं कि स्थायी होना चाहिए। नीरू मुंडा जी लिखती हैं जामनी पंडरा ब्लॉक बेरो डिस्ट्रिक्ट रांची से कि
सरकार ने तो कहा था कि स्थायी कर देंगे, फिर स्थायी क्यों नहीं कर रहे? आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल को आप लगातार देखते हैं इतने ध्यान देकर, और उम्मीद करते हैं कि आप किसी प्रकार से अपना मैसेज कहते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। लेकिन इस समय जो शिक्षक कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है और ये आर्थिक मदद देने के लिए शिक्षकों के कल्याण कोष का गठन किया गया है, 10 करोड़ रुपया राज्य सरकार इसमें देगी और पारा शिक्षक के मानदेय से हर महीने 200 रुपया इसमें काटेगी सरकार। और इसमें असामयिक मृत्यु अगर हो जाता किसी पारा शिक्षक का तो उनके परिजनों को 2.5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। तो ये एक सुविधा दिया गया है पारा शिक्षकों को। लेकिन अब देखिए सबसे बड़ी जो पेंच आ रही है, पीएफ नहीं मिलेगा। ये जो डिमांड इतने वर्षों से चल रहा था तो ये तो क्या हुआ उस आंदोलन का। दूसरा कि 20% सैलरी बढ़ाने पर सरकार विचार करे, जो हमारे पास न्यूज है इसके मुताबिक गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करने वाली है उसमें 20% ही मानदेय बढ़ेगा। और ये बढ़ेगा किसका? जो टेट उत्तीर्ण वाले हैं, और इसकी संख्या भी हमारे पास है 13,411 प्रशिक्षित टेट पारा शिक्षक के वेतन में 20% बढ़ेगा। ये हमारे पास जो है एक्सक्लूसिव न्यूज आ रही है कि पारा शिक्षकों का पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ 20% बढ़ेगा। पारा शिक्षक क्या इसे मानेंगे? हमें नहीं लगता है, क्योंकि सारे पारा शिक्षक के नेताओं से आज देर शाम को हमारी बातचीत हुई है और पारा शिक्षक के सारे नेताओं ने कहा है कि वो इसे किसी कीमत पर मानने वाले नहीं है, वो आंदोलन तेज कर देंगे। रांची पहुंचेंगे जरूर, 67,500 पारा शिक्षक पहुंचेंगे, और अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो फिर वो जय जयकार करेंगे, फुलमाला लेकर के जाएंगे, दूसरे हाथ में काला झंडा भी होगा। और अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर वो आंदोलन तेज कर देंगे। और मैसेज है असगर खलीफा जी का और शिवा पांडे जी का, इन्होंने लिखा है कि आपकी न्यूज बहुत सटीक है और इसी प्रकार से आप हमें सच्चाई बताते रहिए। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे न्यूज को इतना अच्छा से देखते हैं और पूरी न्यूज देखने के बाद विश्लेषण करते हैं। कई लोगों ने दिलजीत पांडे हैं और भी कई लोगों ने सन्नी कुमार, कई लोगों ने थैंक्स लिखा है, अनिल पांडे भी लिखे हैं, रूबी मंडल है, तो बड़ी संख्या में लोग मैसेज कर रहे हैं हमें। इसी प्रकार से आप मैसेज करते रहिएगा और जो सही खबर होगा हम आपको बताएंगे कि पारा शिक्षक संघ को अगर भविष्य निधि का लाभ नहीं दिया जाता है पारा शिक्षकों को, जिले के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में मामला भी दायर हुआ है। इसके बाद सुनवाई के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय की ओर से हजारीबाग और कोडरमा जिले के बैंक खाता को निष्क्रिय कर दिया गया है। तो ये भी एक खबर आ रही है। देखिए सरकार का बॉडी लैंग्वेज तो कल हमने देखा मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी लग रही थी, और आम तौर पर मुख्यमंत्री जी अपने कक्ष के अंदर फोटो नहीं खींचने देते हैं, लेकिन पारा शिक्षक के नेताओं के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, मामला मीडिया में आया, आज कई अखबारों में भी तस्वीर बहुत अच्छी छपी है मुख्यमंत्री जी। लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज लग रहा था कि सारा कुछ अच्छा होगा। और जो शिक्षक संघ के नेता है, पारा शिक्षक संघ के कुल्हान के जो अध्यक्ष है संजय मिश्रा जी और जो पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष हैं सुमित तिवारी जी, उन्होंने ये कहा कि पारा शिक्षकों का मानना है, का संघ का मानना है कि सरकार चाहती है, मैंने मुख्यमंत्री के स्तर से पॉजिटिव लग रहा था सारा कुछ, लेकिन ये खेल बिगाड़ रहे प्रधान सचिव और मुख्य सचिव, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इतना जल्दी ये फैसला हो जाए। दूसरी ओर देखिए जनवरी 28 से जेपीएससी मेंस की एग्जाम हो रही है और उसके बाद फिर चुनाव के भी संकेत हो रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा। तो इतना कम जो हमारे पास है खबर की सरकार की मंशा 20% की है, तो ये बिल्कुल गलत है। और सैलरी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं बढ़ी है। अब देख रहे हैं कि आगे रणनीति जो पारा शिक्षक संघ का किस कदर आगे बढ़ता है, कितना मजबूत होगा, इस पर डिपेंड करता है कि आगे की रणनीति। अस्थायीकरण तो दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार अंतिम मोमेंट में जिस प्रकार से निर्णय ले रही है उससे ये नजर नहीं आ रहा है कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण के लिए सरकार बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रही है। सैलरी बढ़ेगी लेकिन बहुत कम, मुश्किल से 20 से 30%, हमने पहले भी बताया था 30% बढ़ने की संभावना है।
और आज ये रिपोर्ट बाहर आ गई है, केके खंडेलवाल वाली रिपोर्ट जो है, और सचिव थे ये प्रमुख सचिव है केके खंडेलवाल, और इसकी अध्यक्षता में गठित कमेटी थी। इसके अनुशंसा पर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी दे दी, और उसने कहा है कि पारासिस्कू के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार पारासिस्को के मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें सिर्फ 20% ही बढ़ाएगी, जो आज सूचना आई है, और इसे पारा शिक्षक संघर्ष एकता एकीकृत संघर्ष मोर्चा मानने को तैयार नहीं। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैसेज करते रहिएगा, अपना प्यार बना करके रखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।